डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते मुझे एक छोटा सा बच्चा मिल गया जिसका नाम सृजन था। मेरे थोड़ी टाइम में उससे दोस्ती हो गई और फिर वो बार बार मेरे प्लास्टरलेक को देख के शौक हो रहा था, तो मैंने उसको कहा कि ये टच करके देखो कुछ नहीं है। कह रहा नहीं डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। और फिर मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ बात करते करते ही बिताया, क्योंकि जब तक मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम आ रहा था तब तक मैंने उससे बात की। और थोड़ी टाइम बाद वो चला गया अपनी मम्मी के साथ और फिर मेरा भी टाइम आ गया कि मेरा प्लास्टर कटने का टाइम आ गया। बोलो लाइक, शेयर, शेयर बोलो, शेयर एंड सब्सक्राइब, बोलो सब्सक्राइब, डू कमेंट आल्सो। तुम्हारा नाम क्या है? सृजन नाम है। तेज बोलो। सृजन नाम है। सृजन तुम बहुत क्यूट हो बता। चलो 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 चलो, तुम्हारे बराबर तो वो है, कैसे चलाओगे? चलो चलो, हाँ चलो गुड। तो नहीं है तुमको प्लास्टर तो नहीं है, फिर कैसे चलाओगे? अब मम्मी के फोन में देखना है एलेक्स। बाय। हो गया हो गया। तुम्हारी फोटो खींच ली, खींच ली, खींच ली है। ठीक है जाओ, बाय बाय। फोटो हॉली के थोड़ी देर बाद मेरा भी प्लास्टर करने का टाइम आ गया। सर पे तो नहीं लगेगा ना ये? लग जाएगा। नहीं लगता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है, हाथ पे भी चला सकते हो, नहीं कटेगा। जब इस पे दाब लगाया जाता है तब ये वाइब्रेट से कट जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इससे कटेंगे पैर, ऐसा लग रहा है आरी चलेगी पैर पे। बहुत डर लग रहा है। अभी जाओ
तरफ पहले जाना होगा। कॉलेज में जाना है हमको, बस ऐसे जाए एक बार चले खराब की। ओके, स्टार्टिंग में इतना डर लग रहा था ना जब कट रहा था पैर, मतलब प्लास्टर। हम प्लास्टर कहाँ है? ये प्लास्टर पड़ा है। प्लास्टर तो कट गया मेरा, अब ओवरऑल आ गया। हम लोग जाते हैं दोबारा डॉक्टर के यहाँ से आके ऐसे ही वॉकर पे चल रही थी तो मुझे एकदम वही दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरा प्लास्टर हुआ था और मैं जो है हॉस्टल में आ रही थी। लेकिन अंतर ये था कि इस बार मैं प्लास्टर हटवा के आ रही हूँ, उस बार प्लास्टर लगवा के आ रही थी। आगे तख्त बैठ जाइए, मैं खोल रही हूँ। अभी हॉस्पिटल से आ गए, पैर बहुत ठीक है, लाइक हम चल सकते हैं। ये हम चल सकते हैं, बस पैर बस ऊपर नीचे होता है ना चलते वक्त, तब पेन होता है। हाँ हम चढ़ भी सकते हैं। हाँ चढ़िए, मैं फिर लेके आ जाऊंगी। ओके, बस थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत होती है, बाकी हाँ ठीक है, समझ गए। हेल्प की चल सकते हैं, चल सकते हैं, चल सकते हैं। हाँ पर डॉक्टर मना किया चलने को, और पेन पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा, स्वेलिंग हल्की हल्की अभी भी है। स्वेलिंग क्या उसको कहेंगे, हड्डी निकल गई थी पैर से, वो हल्का फुल्का अभी भी है। और तो बाकी ठीक है हमारा पैर, और हमको फिल्म फेस्टिवल में जाना है, बस इसलिए हमने कटवाया। डॉक्टर से डांट खाई लेकिन कटवा लिया हमने। बहुत लोग डांटने वाले हैं हमें पता है, लेकिन हमको बस जाना है तो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमको ये मौका मिलेगा। ये असली रोड नथिंग रोड, देखिए देखिए, बहुत बार मुझे नकली लगी। ये असली है, बहुत बार मुझे नकली लगी, जाने क्यों। और साइज छोटी लग रही है तुम्हें, ऐसा कुछ ना, असली है, असली है। वाई नकली क्या रही है पता नहीं, छू के नहीं लग रहा नकली आपको? हाँ फील हुआ, पर ये असली है, असली है। ठीक है रख लो। तो आ चुके हैं, प्लास्टर कट के हमारा पड़ा हुआ था। डॉक्टर जब काट रहे थे ना प्लास्टर तो इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, एकदम लग रहा था हमारा पैर कट जाएगा, लेकिन फिलहाल में हम ठीक हैं। अभी हमारा पैर कुछ ऐसा है, इतने मोटे पैर से इतना पतला हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं इतना सब कुछ हो गया लेकिन नेल पेंट नहीं छूटी लड़की की। लड़की है ना। हाँ तो फिर पेन हो रहा है हमें अभी भी, जब ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, या फिर जैसे ये टूटा था लाइक इस डायरेक्शन में ये गया था, तो अब ऐसे होने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बाकी हर जगह मूव कर पा रहे हैं। आज थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, पर थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा है, पेट दुख रहा है। बहुत टाइम से सब जानना चाहते थे कैसा है पैर, कैसी हो तुम, तो जान जाओ भैया मेरा पैर
ठीक है, लेकिन हाँ हम उतना नॉर्मल चल नहीं सकते जैसे पहले चल पाते थे। पैर में पेन होता है, मतलब किसी की हेल्प लेनी पड़ती है हमको, उतना ठीक नहीं है, पर ठीक है, मतलब इतना है कि हम नॉर्मल चल सकते हैं। और डॉक्टर ने मना किया है कि इस पैर पे बिल्कुल लोड मत दो, क्योंकि अभी अभी ये जुड़ा हुआ है लेकिन पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ, तुमने टाइम के पहले हटवा दिया प्लास्टर। और जो फ्रैक्चर टेक्स लाइक 2 मंथ, मिनिमम 2 मंथ, तो 2 मंथ क्या, मैंने 1 मंथ में ही ख़त्म कर दिया। प्लास्टर निकलने के बाद ये हो जाती है पैर की हालत, ये देख रहे पूरा डेड स्किन निकल, डेड स्किन नहीं है जो काटिन है उसकी रुई है, रुई नहीं है, हमारी स्किन है, ये स्किन नहीं ये है, ये स्किन है, ये स्किन है, देखो ये स्किन है, ये स्किन पर ये रुई है, ये भी रुई नहीं है, ये सब स्किन गिर रही है, झड़ रही है, स्किन है ये, हाँ ये स्किन है, हम सोचे वो रुई निकल रही है, नहीं है स्किन है, इसमें तेल लगाना पड़ेगा ना, इतने टाइम से पूरा 1 मंथ से बंद था, स्किन है पूरी बात, हमको बस जाना है फिल्म फेस्टिवल में, पता नहीं क्यों हम बस सोचे ठीक हो जाए इसलिए पहले कटवा लिए पैर, मतलब प्लास्टर पैर काट दे मतलब इसलिए पहले कटवा ली प्लास्टर की थोड़ा ठीक लगे, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर ले चलने की, उसके बाद चल के जाएंगे, पर अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी, दादा जी से बात कर लीजिएगा, अभी तक प्लास्टर था तो नहीं पेन हो रहा था, प्लास्टर कटने के बाद बहुत पेन हो रहा है। तो ठीक है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ऐसे देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और मेरी तबीयत खराब होगी, अच्छी होगी, फिर हम ठीक होंगे सबका, लेकिन आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे और इन्जॉय करेंगे, तो ऐसे देखिए मेरा ब्लॉग और हम दोनों रहेंगे ना आपके इंटरटेनमेंट के लिए, तो प्लीज़ डू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लव यू ऑल।